किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कन्फ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और कन्फ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। इस तरह से निशाने पर दे दिए हैं। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। ये चिंता है नीरज जी, पॉलिटिकल डिस्टेंसेस अलग चीज है, लेकिन गवर्नर के खिलाफ में नहीं जाना, कैसे देखते हैं? हाई चीज देखिए, महामहिम राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रधान है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा यह रहेगी कि राज्य के संवैधानिक प्रधान के कार्यक्रम में जाना चाहिए। लेकिन अब नहीं गए, वो तो नजरिया उनका सा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि एनडीए अलायंस पर रहते तो खुद है में प्राइम मिनिस्टर। किस अलायंस में? हम तो महागठबंधन में इंडिया अलायंस के सृजन करता थे। हम किसी पद के आकांक्षी नहीं, कोई पद हमको नहीं चाहिए था। ये बार बार हम स्पष्ट करते रहे, डेढ़ वर्ष तक लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयास करते रहे। अब हमको कोई पद का उम्मीदवार बना रहे हैं, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है। मतलब मान के चला जाए, लेकिन अच्छा एक चीज है, सुशील मोदी ने कहा है कि कुछ पॉलिटिकल स्थिति रहती है, इसमें दरवाजे परमानेंट बंद नहीं रहते हैं। इस पर भी आरजेडी जेडी बोल रहे हैं कि समय समय से लोग बयान बना रहे हैं। नहीं, माननीय सुशील मोदी जी ने क्या बयान दिया है ये उनका विषय है, लेकिन माननीय सुशील मोदी जी एक गंभीर राजनेता है, तो उनके बयान का मीडिया स्वाभाविक रूप से विश्लेषण करेगा और गंभीरता से लेगा। अब कौन किस रूप से ले रहे हैं वो जाने। आपके एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में जो सम्मान मिलना चाहिए था, नीतीश बाबू को सम्मान नहीं मिल रहा था। गोपाल मंडल ने कहा ये बात। अब देखिए, माननीय गोपाल मंडल जी हमारे दल के विधायक हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि गोपाल मंडल जी जब भी रहेंगे तो नीतीश जी के साथ रहेंगे। जो लोग कयास लगाते थे कि गोपाल मंडल की भूमिका बदल जाएगी, वो सब लोग भ्रम के जाल में हैं।